हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये अपन ने एक सीरीज नई स्टार्ट की है मैथ फैक्ट्स के नाम से, जिसका ये वीडियो वन है। और आज एक इंटरेस्टिंग नंबर है अपना कपब्रेकर कॉन्स्टेंट, जो कि फेमस मैथमेटिशियन डीआर कपब्रेकर के नाम पे रखा गया है। अब ये डीआर कपब्रेकर का जो कॉन्स्टेंट है वो है क्या, तो वो देखते हैं। ये एक मैजिकल नंबर है 6174। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वैसे ही कोई रैंडम नंबर है 4 डिजिट का, ऐसा नहीं है। अब इसकी क्या मैजिक, इसकी एप्लीकेशन है, एक बार मैं आपको बताता हूं, फिर आप भी एक दो क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना। जैसे कि ये एक डिजिट है 6174, तो इसका रूल ये है कि अगर अपन कोई भी 4 डिजिट नंबर लेते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसको डिसेंडिंग में से जैसे ही मैं उसके असेंडिंग ऑर्डर को माइनस करूंगा तो एट लास्ट मुझे यही कॉन्स्टेंट मिलेगा, इसीलिए इसको कॉन्स्टेंट बोला गया है। ठीक, तो देखते हैं कैसे। देखते हैं जिसमें विदाउट रिपीटेशन लेंगे, तो ये मैंने लिया है 9216। अब इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखू यानी घटते हुए क्रम में, तो ये आपका 9621 हो रहा है। अब इसको अपन लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, उल्टा कर दीजिए 1269, माइनस करेंगे तो ये आपका हो रहा है 11-9 2, और ये आपका 11-6 5 एंड 3, और ये 8 8 3 5 2। अब इसका फिर से अपन डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा आपका 8 5 3 2, और फिर इसको उल्टे क्रम में लिख दो 2 3 5 8। अब मैं इसको करूंगा माइनस, तो माइनस करने पर मुझे क्या आ रहा है 4 एंड 7, और ये आपका हो गया कितना 1 एंड 6। और आप देख सकते हैं ये आपका हो गया कपब्रेकर कॉन्स्टेंट 6174। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक, ध्यान से देखना आप लोग। 6174 लाना है, ठीक, कॉन्स्टेंट नंबर है, एट लास्ट आना यही चाहिए। देखते हैं क्या है। फिर से अपन कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं विदाउट रिपीटेशन, जैसे कि मैंने ले लिया 1234, ठीक, इजी नंबर है। तो इसमें आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4321, और असेंडिंग, असेंडिंग तो ये है ही खुद 1234, माइनस कर रहे हैं तो यहां आपका आ गया कितना 7 एंड ये हो गया 8 एंड 0 एंड 3, 3087। अब इसको अगर मैं फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 8730, और ये आपका 30378, माइनस कर रहा हूं मैं तो ये आपका हो रहा है 2 एंड 5 एंड ये आपका 38 8352। 8352 को फिर से डिसेंडिंग में लिख के देखते हैं 8532 एंड 2358, उल्टा करना है, माइनस करेंगे और ये आपका आ गया 4716, और ये रहा अपना मैजिकल एंड इंटरेस्टिंग कपब्रेकर कॉन्स्टेंट। हो सकता है कि इन दो एग्जांपल्स के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया आपका 9871, ठीक है। तो इसमें अपन डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है 9871 और 1789, क्लियर। तो इसमें माइनस कर रहे हैं 1, ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया यहाँ पर 8, और यहाँ पर हो गया 0 एंड 8082। अब यहाँ आप देख सकते हैं नंबर जबकि रिपीट भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहिए 8820 एंड 0288, माइनस करेंगे तो यहाँ 10-8 हो गया 2, और ये हो गया 11-8 3, और ये हो गया 7 7-2 5 एंड 8, 8532, अगेन डिसेंडिंग 8532 एंड 2358। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें माइनस करूं तो मुझे मिल रहा है मैजिकल कपब्रेकर नंबर 6174। क्लियर, इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी अपन कोई 4 डिजिट का रैंडम नंबर लेते हैं और उसके डिसेंडिंग में से असेंडिंग ऑर्डर को माइनस करते हैं, तो आगे प्रोसेस करने पे एट लास्ट हमको एक नंबर मिलता है 6174, ठीक, जो कि है कपब्रेकर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट किस लिए कह रहे हैं अपन, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है कि यही आएगा।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपने जैसे नंबर लिया और बाई चांस इसकी कैलकुलेशन लंबी जा सकती है, या एक आध कोई एक्सेप्शन भी है जिसमें कि बाई चांस कॉन्स्टेंट नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये एक मैथ का मिस्टीरियस नंबर है, फेमस मैथमेटिशियन दिया कापरेकर के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, कापरेकर कॉन्स्टेंट। तो ये जो अपन ने सीरीज नई चालू की है मैथ फैक्ट्स के नाम से, तो इसमें आपको ऐसी नई नई मैथ की ट्रिक्स और जो भी मैथमेटिकल फैक्ट हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, और हमारे एडवांस ट्रिक के जो चैनल है सेट थ्योरी, जिसमें मैंने 5 वीडियो भी बनाए हैं, उनको भी आप जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी इसे शेयर करें। थैंक्स।